सावन का महीना आ गया, अभी राखी आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब की बार राखी अपने हाथों से बनाऊं। देखिए मैंने धागा लिया था जिसकी मैं चोटी बनाई है छोटी सी 20 इंच की, लेकिन मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई। आप भी 3 धागे लीजिए और उनकी एक चोटी बना लीजिए, फिर उसको ऐसे रोल कीजिए और सुई से उसको स्टिच कर दीजिए। देखिए ना ऐसे पक्का कर देना, 2-3 बार होगा ये और फिर अच्छे से हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि राखी बना ही रही हूँ तो थोड़ा सा 2-4 और बना ही लेती हूँ। तो देखो फिर मैंने इस पे, मेरे पास एक लेस थी उसके मोती निकाले और मैंने फिर वो मोती साइडों में फिल कर दिए और बीच में मैंने फैब्रिक से ग्लू से इसको मोती को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आप देखना ये बहुत अच्छी राखी बन गई है और सच मानो इस पे 5 रुपये की भी मेरी कॉस्टिंग नहीं आई है, लेकिन ये इतनी प्यारी लग रही है। और जो हमने अपने हाथों से बनाई है वो तो प्यार अलग ही है। तो आपके भाई बहन भाभी बहन का प्यार देख के खुश हो जाएंगे कि उसने हमारे लिए इतनी मेहनत की है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और ये दूसरा है जो आप इसको भी ट्राई करना। अपने दोनों हाथों पर कलावा ले लीजिए या ऊन हो, उसको 2 उंगलियों पर लपेट लीजिए और फिर उसको बीच में से ऐसे बांध के और फिर इनको चारों तरफ से इसको काट दीजिए जो एक्स्ट्रा होता है। ये हमारा एक पोम पोम तैयार हो जाएगा और इसको हम पोम पोम वाली राखी बोलेंगे। देखना आप सच मानो ये मेरे को तो बहुत प्यारी लग रही थी और मैंने फैमिली में दिखाया तो सबको लगा बहुत अच्छी है और सबको बहुत पसंद भी आई। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए और अपने भाई को अपने प्यारे हाथों से बनाकर अपने एक राखी बांधिए जिससे आप दोनों का रिलेशन और अच्छा रहे, बहन भाई का प्यार हमेशा बना रहे। राखी।